नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ उर्दरा गांव में और यहाँ एक बांसुरी वादन है जो हम लोग को सुनाएंगे और हम लोग आ चुके हैं अभी उर्दरा पहाड़ में। तो यहाँ का नज़ारा देख ही रहे हैं आप लोग कितना अच्छा है। तो चलिए बांसुरी में कुछ सुनाएंगे और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन सा गाना है जो उसको सुनाएंगे और इनका नाम सबसे फर्स्ट में तो जानते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है कनीलाल राउत। मैं लगभग बहुत दिनों से बांसुरी बजा रहा हूँ और क्या है कि मैं जंगल में गाय चराता था तो उस टाइम मेरे पिताजी ने बोला कि बांसुरी ले लो एक ठो, बजाते रहना, अपना मनोरंजन होते रहेगा और गाय भी चराते रहना। तो चराते चराते वैसे बजाते बजाते हमने थोड़ी मोड़ी जानकारी भी हासिल किया है तो आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मैं एक अपना सरगुजिया, अपना क्षेत्रीय सरगुजिया कर्मा का एक गीत है उसे सुनाने जा रहा हूँ।
काफ़ी अच्छा लगा ये बांसुरी का आवाज आप लोग को सुनाए ये भैया जी। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये मतलब गाना का मतलब बोल कैसा था इसको थोड़ा सा बता दीजिए, ये दो लाइन थोड़ा सा। हरे हरे मना रौर से पीरिता भारी, ना जीवा मने तो हमारीगा, रौर से पीरिता उदे रौर से पीरिता भारी, तोर मोर पीरिते आला तोर मोर पीरिते आला, छाती बांधे गठिया गा रौर से पीरिता उदे रौर से पीरिता भारी, ना जीवा मने तो हमारी गा मने तो हमारी, रौर से पीरिता उदे रौर से पीरिता भारी। गाना भी बहुत ही मधुर आवाज़ में गा भी लेते हैं, तो एक आठ गाना बना है कि नहीं? अभी तक गाना मैं ट्रैक बनवा के आया हूँ। हाँ हाँ, तो अभी उनका म्यूजिक व्यूजिक का चक्कर चल रहा है। तो अभी जब उसका ट्रैक जब उसका म्यूजिक जो बन जाएगा तो फिर उसका निकलेगा अभी गाना। तो वो उस गाने का वो जो है वो छत्तीसगढ़ी गाने पर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी गाने पर, छत्तीसगढ़ी पे है। तो अभी निकलेगा तो फिर डाला जाएगा यूट्यूब पे। तो ये जो बांसुरी का आवाज़ जैसे आप बहुत ही अच्छे से बजा लेते हैं, तो प्रोग्राम शोग्राम में भी जाते हैं कि? हाँ, 7-8 साल मैंने अपना ऑर्केस्ट्रा पार्टी में काम किया। बहुत सारे साथी लोग जो है तो थे उसमें, 20-25 आदमी थे, तो उसमें काम किए। तो इसके बाद जो है तो फर्नीचर का काम में लग गया हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को टाइम नहीं मिलता है। क्या है कि टेंडर का काम करता हूँ अभी, बड़ा बड़ा टेंडर वाले, तो उसी में लगा हुआ हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जैसे साथी लोग जो है तो इधर उधर हो गए हैं, कोई जैसे लड़की लोग हैं तो अभी उस उन लोगों की शादी हो गई, तो फिर दोस्त लोग कहीं कहीं दूसरे दूसरे अपना ज्वाइनिंग कर लिए, इसलिए अभी क्या है कि अभी सब इधर उधर हो गए हैं। तो मौका मिलता है तो कभी कभी जाते हैं। हाँ हाँ, ये भी बात। और ये मतलब बांसुरी आप बजाना मतलब खुद से सीखे हैं कि कोई सिखाए हैं इसको थोड़ा? क्या है कि हमारे पिताजी ने जो है तो गाय चराने के लिए हम लोगों को ले जाते थे छोटे छोटे, जब 8-10 साल के उम्र थे तो ले जाते थे। तो उधर हम लोग कहते थे कि पिताजी बाजा उजा का व्यवस्था कर दीजिए, थोड़ा बजानेंगे बजाएंगे बांसुरी उसुरी का। तो बना दिए थे वो नदी वाले जो एक ठो बांस रहता है उसका बनाए और पकड़ा दिए हमको। तो बजाते बजाते सही कुछ दिन बजाते रहे उसी को, फिर मार्केट से खरीदे, फिर अपना सुरवे संगीत में जो है तो अपना कोर्स लिए थे 6वीं से शुरुआत। तो फिर वहाँ 5-6 दिन हमने वहाँ जो है तो ज्वाइनिंग कर पाया, इसके बाद मेरा पिताजी गुजर गए। तो इसीलिए मेरा बाद में मन नहीं लगा, फिर अपना कार्य में लगे हुए हैं, यही बात है। इसके बाद आज तक चलते हैं थोड़ा मोड़ा। Thank you.
बहुत ही अच्छा लगा ये तेरे मेरे होंठों पे, ऐसे ही है ना गाना। और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका जो हमको काफ़ी समय दिए उसके लिए। और ओके ओके, कुछ बोलना चाहेंगे हमारे यूट्यूबर मतलब दोस्तों को? अब मैं क्या बताऊं, दोस्त लोग तो आजकल यूट्यूब के दुनिया में जान ही रहे हैं कि आजकल जो है तो ऑनलाइन की दुनिया हो गई है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, धन्यवाद। और दोस्तों जो मेरे वीडियो पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे आप लोगों तक सबसे पहले मिलते रहेगा। ज़रूरत हो बांसुरी वादन के लिए तो हमसे संपर्क करिए, और मतलब कहीं भी जा सकते हैं मतलब बजाने के लिए तो संपर्क कर सकते हैं कमेंट में लिख के, या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा तो वहाँ से कॉल करके जा सकते हैं। तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।